मैं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम आज वेन डायग्राम पे बेस्ड सेट्स टॉपिक की एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 जो है ये सेट्स की एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइज है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है कि रियल लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सेट्स की जो प्रॉब्लम्स है सेट्स टॉपिक को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये हमें सीखना है इस एक्सरसाइज में। और इसको करने के लिए हम वेन डायग्राम की मदद लेंगे। तो वेन डायग्राम की मदद लेने के पहले एक मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूँ, वो फॉर्मूला आप देख लें। ये एक सेट है, मान लीजिए ये एक सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी। टॉपिक आपको क्लियर है, सेट्स टॉपिक है, वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइज 1.6 है, एनसीईआरटी बुक है। मान लीजिए कि आपके पास ये बुक नहीं भी है एनसीईआरटी, तो भी आप ये प्रॉब्लम्स देख सकते हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन वेन डायग्राम। अब ध्यान से देखिए और मैं सारी प्रॉब्लम्स आपको ब्रीफ करूंगा, तो यू नीड नॉट टू वरी। ये मान लीजिए ये एक सेट है ए, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं ध्यान से देखें आप, इस सेट में ये कुछ एलिमेंट्स होंगे ए, इस वाले पोर्शन में कुछ होंगे बी, इस वाले पोर्शन में मान लीजिए कुछ एलिमेंट होंगे सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ए में एलिमेंट्स का नंबर कितना होगा आप बताएं, ए में एलिमेंट्स हो गए आपके ए प्लस बी, तो ए में एलिमेंट्स है ए प्लस बी। बी में भी आप एलिमेंट देख लें, बी में एलिमेंट कितने हैं आपके, बी में एलिमेंट है आपके पास बी प्लस सी। अब आप देखें कि ये जो पोर्शन है बीच का पोर्शन, इस पोर्शन को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। आपने अगर पिछले वीडियोस देखे नहीं तो जरूर देखिए, उनमें सब कुछ क्लियर है। एरो ऑफ इंटरसेक्शन भी, ये जो कॉमन पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो कॉमन एलिमेंट्स है बी, और एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी को मिला देंगे अगर ए यूनियन बी को, तो पूरे एलिमेंट्स जो कॉमन है सारे आएंगे और जो अनकॉमन है वो भी आएंगे। तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आप देखिए कि एन ऑफ ए यूनियन बी ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा आपको, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी क्या हो गया आपके पास, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो इसमें ये जो बी है जो कॉमन मेंबर्स हैं वो कॉमन मेंबर्स क्या हुए हैं, इसमें भी ऐड हो गए, इसमें भी ऐड हो गए हैं, तो ये कॉमन मेंबर्स डबली ऐड हो गए, तो डबली ऐड हो गए तो गलती हो गई, इसीलिए इसका सम क्या आ रहा है आपके पास, जब आप सब कंबाइन कर रहे हो तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। और आप देखो कि ये ए टीम है, समझ लीजिए ए टीम में प्लेयर्स हैं ए और बी, जो बी प्लेयर्स हैं ये कॉमन फील्डर्स हैं, कॉमन फील्डर मतलब ए में भी खेलते हैं और बी टीम से भी खेलते हैं, और जब सारे लोगों को हमने क्लब कर दिया, तो जब सारे लोगों को क्लब कर दिया तो बी डबल थोड़ी हो जाएंगे, क्यों, बी ऐसे लोग थे जो कॉमन थे, तो कॉमन जब गिनती होगी व्हेन दे विल बी काउंटेड, जब उन्हें गिनती करेंगे तो गिनती में वो दो बार नहीं आ सकते, एक ही बार आ सकते, पर इसमें आ रहे हैं, तो जो गलती होती है उस गलती को इसमें से माइनस कर दो। तो अगर मैं इसमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये आपका इक्वली रियल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। तो ये और ये दोनों सेम हो गए, देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। और भी रिजल्ट इससे डिराइव
उन पे भी डिस्कशन करेंगे, पर हम क्वेश्चंस करते करते करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। तो ये एक्सरसाइज है दोस्तों 1.6 एनसीईआरटी की। और इसका जो पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई दो सेट्स है, और जो जो इंफॉर्मेशन दी है मैं आपके लिए लिखता हूँ और आप चिंता ना करें। अगर मान लीजिए आपके पास बुक नहीं भी है, क्वेश्चंस नहीं भी है, तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। एन ऑफ एक्स 17, एन ऑफ वाई 23, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये कैपिटल एक्स है तो मल्टीप्लीकेशन जैसा दिख रहा है, 38, और एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपसे पूछा है। तो आपने देख लिया होगा कि बेहद आसान क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, केवल ए और बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स और वाई आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस थ्योरम को दोस्तों एडिशन थ्योरम कहते हैं, इस थ्योरम को एडिशन थ्योरम कहते हैं। और ऐसी भी ऐसी थ्योरम पे बेस्ड कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में भी आते हैं, इसको कहते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम बेहद आसान है, आपको समझ में भी आ गई है। अब आप इस क्वेश्चन के लिए एडिशन थ्योरम लगा दें, वी हैव एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का वैल्यू कितना है, 38, एन ऑफ एक्स का वैल्यू 17, 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 17 प्लस 23 40, और 38 आप इधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा आपका 2। अब एक बात और काम की कि ये जो डेटा है आपके पास, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या, क्या हो सकता है ध्यान से सुनिए, कभी आपका ऐसा हो जाए कि ये जो वैल्यू है 40 ये कम हो जाए और ये जो 38 वाली जो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये माइंड में रखना है, कीप इन माइंड, ये बहुत कंसेप्चुअल बात है और सारे कंसेप्ट आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी काम आएंगे। क्या ये कंसेप्ट हो कि एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई नेचुरली दोनों को मिला के बनती है, तो इनके नेचुरली इनके इंटरसेक्शन से तो ज्यादा होना ही है, उसको इनके इंटरसेक्शन से तो ज्यादा ही होगी, ये सोचने की बात नहीं है। और सभी कॉमन हो जाए तो इक्वल टू भी हो सकती है, मतलब एक्स और वाई दोनों एक जैसे हो जाए तो फिर क्या हो सकती है, ये फिर एक जैसे भी हो सकते हैं। कैसे हो सकता है, जैसे एक एक्स के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, वाई के अंदर 7 एलिमेंट है 1 2 3, तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 2 3, एक्स यूनियन वाई, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये बराबर कब हो सकते हैं, जब एक्स और वाई क्या हो, इक्वल हो। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब दोनों के एलिमेंट सेम हो तो ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई हो सकता है इफ x इज इक्वल टू क्या हो, इफ x इज इक्वल टू y हो। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जब ये इन दोनों को मिला लेंगे तो उसकी वैल्यू इससे हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, या बहुत हुआ तो बराबर होगी, कम नहीं हो सकती। अगर कम हो गई तब क्या होगा, तो फिर वो डेटा किसी यूज का नहीं होगा, तो उसको कहेंगे इन अप्रोप्रिएट डेटा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, थ्योरी भी मैं आपको बताते चलूंगा, यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता की जरूरत नहीं है।
और साथ साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक बात पहुंचाएं और सारी जगह जगह ये बात पहुंच जाए कि सर के वीडियोस फ्री में हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियोस हैं। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स है। एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, y has 15 एलिमेंट्स। x में कितने एलिमेंट्स है? 8 और y में कितने हैं? 15। अब आप समझ गए होंगे कि क्या पूछ रहा है हमसे। बोल रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, इसमें कितने एलिमेंट है। फिर आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो फॉर्मूला आपके पास है एडिशन थ्योरम हम इसको कहते हैं, एक बार आप लगाएंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है 18, 8, 15 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई उधर चला गया और ये क्या आ गया आपका 23 में से माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया? 5 आ गया। यही आपका दोस्तों आंसर है। और दूसरी बात सुनिए, एन ऑफ ए एक्स का वैल्यू हमेशा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई से क्या होगा? ज्यादा या बराबर होगा। क्यों? ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होता है हमेशा एक्स से क्या होगा? छोटा ही होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर ये दोनों बराबर हो गए, ज्यादा से ज्यादा अगर दोनों बराबर हो गए तो फिर ये क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। इसी तरीके से एन ऑफ वाई भी क्या होगा? ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में काम आएगी और आप अपने दोस्तों तक ये बात जरूर कन्वे कर दें। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, ये मैं नोट कर देता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। थर्ड क्वेश्चन है, ये है कि इन अ ग्रुप ऑफ, ये हिंदी के लिए आप एच ले लें, एच स्टैंड्स फॉर हिंदी, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। अब एक बात कही है इन्होंने कि इंग्लिश हिंदी बोलने वाले जो है एन ऑफ हिंदी स्पीकर्स आर 250, इंग्लिश स्पीकर्स आर 200 और जो ग्रुप है, ग्रुप कितने का है? तो ग्रुप है इनका, ग्रुप मतलब यूनियन, जब दोनों को यूनाइट कर देंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बन गया? ग्रुप। पर एक बात इन्होंने मेंशन नहीं की, वो मेंशन करना चाहिए कि इन द ग्रुप ईच एंड एवरीवन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। इस ग्रुप में कम से कम एक लैंग्वेज दोनों ही, मतलब कम से कम एक लैंग्वेज सभी लोग बोलते हैं, और कम से कम एक लैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेज में से कम एक लैंग्वेज सभी लोग बोलते हैं, ये बोलना चाहिए था इन लोग। तो ये लोग हैं 400 है मेरे ख्याल से, ये 400 है और हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। तो बोथ द लैंग्वेज स्पीकर्स आर एन ऑफ E intersection H, which is what? Question mark, and this is question number 3. तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस क्वेश्चन में मैं आपको और कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। आपसे क्वेश्चन में छोटी सी बात पूछिए कि ये दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कौन है। आप फॉर्मूला लगा ले एडिशन टर्म एन ऑफ ई और एन एच, एन ऑफ ई एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच 400 250
200 to 250 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, इसको उधर भेज दें एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। ये कंसेप्ट आपको प्रोबेबिलिटी में भी लगभग काम आएंगे। ये 200 250 क्या होगा, 450 माइनस 400, ये आ गया आपके पास 50. तो 50 people can speak both the languages, दोनों लैंग्वेज को बोलने वाले लोग 50 हैं। आप अगर आपसे बोलते थे ये कि केवल इंग्लिश बोलने वाले, अगर आपसे पूछते नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलने वाले, या ऐसा बोलते थे नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी ओनली, ओनली हिंदी, हिंदी ओनली एक ही बात, तो इंग्लिश बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले, तो फिर मैं आपको वेन डायग्राम की फिर सजेशन देता हूँ कि आप वेन डायग्राम में देखें, यहाँ बना देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये हो गया, इसको अगर आप क्या कहते हैं इंग्लिश कहते हैं, इसको आप कहते हैं हिंदी, तो इंग्लिश बोलने वाले कौन होंगे, तो आप इंग्लिश बोलने वाले द पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, ये पूरा जो ग्रुप है ये कौन है, दे आर इंग्लिश स्पीकर्स, इंग्लिश बोलने वाले, लेकिन केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाले आप समझ गए हो, ये लोग हैं, क्योंकि ये वाले लोग तो क्या है, ये जो डॉटेड पीपल है, डॉटेड पीपल आर द पीपल हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पीपल हु स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है कि इंग्लिश का जो ये वेन है VEN, इंग्लिश का जो वेन है इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, इस कॉमन चीज को माइनस करना पड़ेगा, E intersection H को। अगर ये पूछते तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो ये खत्म हो चुका है, अगर ये पूछते तो आपको ये करना पड़ता, इंग्लिश स्पीकर्स कितने हैं 200 और जो कॉमन पीपल है वो कितने हैं 50, तो 200 माइनस 50 कितना हो गया आपका 150 हो गया। अगर आपसे हिंदी ओनली बोलते, क्या बोलते, हिंदी बोलते, हिंदी ओनली, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी को क्या लिख सकते थे आप, हिंदी में से किसको माइनस कर देते आप, इस कॉलम वाले पोर्शन को, जैसे उसमें माइनस किया आपने ई इंटरसेक्शन एच, तो ज्यादा आपका 250 माइनस 50 में से 50 आपने माइनस कर दिया तो क्या बन गया, ये आपका बन गया 200, तो आपका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा इस केस में 200। अगर ऐसा पूछते तो, अभी तो पूछा ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खाली हम एक्सरसाइज ही नहीं सॉल्व करते रहे, कि हमने केवल मेयरली एक्सरसाइज सॉल्व कर दी और नॉलेज का इम्पार्ट नहीं किया हमने, तो नॉलेज आपको इम्पार्ट करना, नॉलेज की डिलीवरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है SNTR26, S के अंदर एलिमेंट्स दिए, E के अंदर एलिमेंट्स दिए और N ऑफ S इंटरसेक्शन T में दिए हुए हैं। क्या क्या दिए मैं आपको बताता हूँ, S has 21 एलिमेंट्स, T has 32 एलिमेंट्स और इट हैज 11 एलिमेंट्स। आपको पूछा है कि एन ऑफ एस यूनियन टी में क्या होंगे, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसमें आप लगा दें फॉर्मूला, आप वैल्यू रखे और आपका आंसर आ गया 21, 32 माइनस 11, तो 21 माइनस 11, 10, 32, 42, ये आपका आंसर ही आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी क्लास 11 का टॉपिक है सेट्स, वैसे तो इतना जब दिया उसके बाद बताने का मतलब नहीं कि कौन सी क्लास का है, यू आर वेरी मच अवेयर, और सेट्स का कंसेप्ट BBA, BCom, CA आगे भी काम आता है, JEE वगैरह में भी काम आता है, हालांकि उसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होता है,
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, x and y are two sets such that x has 40 elements, n of x 40 elements, n of y, y के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं भी निकाल रहे हैं, एल ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में कितने दिए हैं 60 एलिमेंट्स दिए हैं, और एल ऑफ एक्स इंटर्स एक्स एंड वाई में 10 एलिमेंट दिए हो, पुली एकदम सही। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, तो आप रिजल्ट लगाते हैं एल ऑफ एक्स यूनियन वाई, एल ऑफ एक्स एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, आपका आंसर आ गया। यहां पर आ जाएगा आपके पास 60, 40 प्लस एन ऑफ वाई माइनस 10, 40 सब उधर मिलते हैं, 60 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू एन ऑफ वाई, तो एन ऑफ वाई आ गया आपके पास 60 प्लस 10 70, ये 30 आ गया, यही आपका आंसर दोस्तों 3030। तो ये था दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। वी आर कमिंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। 6 में चाहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6, 6 तक थोड़ा सा समझने को भी ज्यादा मिलेगा, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे बेस्ड है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लगाया आंसर पाया, आपने देखा अच्छा लगा होगा आपको कि बड़े सरल सवाल है, फिर भी स्टूडेंट्स को कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर अपना है 6, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, 37 लाइक टी सॉरी कॉफी, तो कॉफी को हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं कॉफी, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी 37, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी, जो टी पीने वाले हैं, जो चाय पीने वाले लोग हैं वो है आपके पास 52। वेरी गुड, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, ईच, जो मैं उस क्वेश्चन में कह रहा था आपको, ईच वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, Each one of the persons लिखा है, members of the group, आपकी बुक में members of the group like at least one of the drinks, one of the two drinks, है ना, beer whiskey नहीं, one of the two drinks जो दिए हैं, इसलिए ये जो दोनों drinks दिए हुए हैं, अब अपने को पता लगाना है कि how many like both tea and coffee, लेकिन group के अंदर कितने member हैं, तो जो group के member होंगे वो इस केस में होंगे C union T, तो group में member से आपके पास 70, और आपको पता लगाना है who like both C intersection B, तो फिर आपको क्या करना है, रिजल्ट लगाना है और आंसर लिख देना है। तो आप क्वेश्चन रिजल्ट लगाइए, क्या रिजल्ट है, एन ऑफ C यूनियन T is equal to n of c n of t minus n of c intersection t, तो c union t में कितने लोग हैं 70, ये कितने हैं आपके पास 37, 52 minus n of c intersection t, n of c intersection t को आप इधर भेज दें, इन दोनों को ऐड कर दें, ये 89 हो गया आपका, 89 माइनस 70 उधर से आया, ये हो गया 90, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 19 हो गया आपके पास। अब इसमें
उस क्वेश्चन का अभाव है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं और आपसे यह पूछा जाए कि व्हाट इज एनऑफ सी माइनस एनऑफ सी माइनस टी, ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी पीते हैं पर चाय नहीं पीते, इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब है, इसी का मतलब है कॉफी ओनली, इसका मतलब है कॉफी ओनली, इसका मतलब है कॉफी ओनली, इसी का मतलब है कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी, इसी का मतलब है कॉफी बट नॉट टी, इसी का मतलब है कॉफी ओनली, आप देखो इसी का मतलब है कॉफी एंड नॉट टी, इस एक ही चीज है, कॉफी पीते हैं पर चाय नहीं पीते। तो ये वाला जो ग्रुप है जो मैंने आपको पहले समझाया, आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ एन ऑफ सी माइनस टी का वैल्यू क्या होगा। एन ऑफ सी माइनस टी का वैल्यू होगा एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, इसका मतलब होगा ये, देखिए फिर से देखिए इसको एक्सपीरियंस करिए आप फिर से समझिए, सी माइनस टी का मतलब है कॉफी ओनली, इसका मतलब है कॉफी बट नॉट टी। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे एन ऑफ सी माइनस टी की, तो एन ऑफ सी माइनस टी का वैल्यू ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देखिए दिस इज नॉट एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी, इट इज नॉट ट्रू, क्या आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपका एक्सपीरियंस गलत है, आप पिछला वीडियो भी देखिएगा, एन ऑफ सी माइनस टी इज एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, इसमें से ये पोर्शन को माइनस करना है, किसको आपसे बोलेंगे आप कुछ एक्सपीरियंस करें, ये कॉफी है ये टी है, छोटे बोले और बड़े बोले में मत जाए, ये कॉफी है ये टी है, कॉफी में समझ लीजिए, मान लीजिए इसमें इसमें कॉफी के मेंबर्स है एक्स वाई जेड, अब इसमें ये लोग कौन है, दीज आर द पीपल हु ड्रिंक कॉफी ओनली, ओ हु ड्रिंक कॉफी, ये लोग कॉफी पीते, ये लोग कौन है, दीज आर द पीपल हु ड्रिंक कॉफी एंड टी बोथ, अब इसमें से क्या करें, जो दोनों पीते हैं उसको हटा दें तो क्या जाएगा, कॉफी ओनली, लॉजिकली थिंक अबाउट इट, लॉजिकली इसके बारे में लॉजिकली सोचो कि भाई ये लोग पूरे ये लोग कॉफी पीते हैं, ये लोग दोनों पीते हैं तो कॉफी केवल कॉफी पीने वाले कौन हुए, केवल कॉफी पीने वाले क्या हुए, ये हुए, और केवल चाय पीने वाले कौन हुए, केवल चाय पीने वाले भी तो हो गए, ये केवल चाय पीने वाले लोग हुए, कौन हो गए, केवल चाय पीने वाले लोग, जेड वाले मेंबर्स हो गए, तो एन ऑफ सी माइनस टी इज व्हाट, एन ऑफ सी माइनस टी इज व्हाट, तो एन ऑफ सी माइनस टी इज एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, इट इज नॉट एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी, तो आंसर क्या होगा, एन ऑफ सी का वैल्यू देख लें, कॉफी पीने वाले कितने 37 हो गए के आंसर, और ये कितना आ गया आपके पास 19, तो आंसर कितना आ गया, ओनली दीज आर द पीपल हु ड्रिंक कॉफी ओनली, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, क्वेश्चन तो आपका यही तक था, इट वॉज एनफ, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज और बढ़े, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हर व्यक्ति की एक ड्यूटी है कि वो सोसाइटी को सर्विस दे, सर्विस अगर वो नहीं देगा तो काम नहीं चलेगा, तो नॉलेज इम्पार्ट करना सबकी ड्यूटी है, अगर आपको इसी की जगह क्या पूछता टी ओनली, तो टी ओनली के लिए आप एन ऑफ टी में से इस पोर्शन को माइनस करते हैं, आप चाहें तो कीप दिस थिंग इन योर रिकॉर्ड, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कौन है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसको दूसरा ढंग से भी लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, बी बार का मतलब है नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी बार, ये एक ही चीज है, इसका भी वही रिजल्ट आएगा, और अगर ऐसा होता तो सॉरी एन ऑफ बी माइनस ए होता तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए,
क्या सारे क्वेश्चन दो भी होते हैं क्या, जिसमें दो लोग होते हैं, ए और बी चीज होती है? नहीं, ए बी सी डी सब होते हैं। तो अगले के लिए जो इसमें तीन चीजें होती हैं, ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखिए। अगले वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जिनमें तीन चीजें होती हैं। देखिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक ओनली एंड ओनली, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। देखिए आगे उसी तरह का क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि ग्रुप में 65 है, तो टेनिस और क्रिकेट का ग्रुप है, तो टी फॉर टेनिस और सी फॉर क्रिकेट। तो टी यूनियन सी में क्या लेंगे हमने, ग्रुप कितने का है आपका, ग्रुप है 65 का, और एन ऑफ टी टेनिस खेलने वाले और क्रिकेट खेलने वाले। अच्छा इसको एब्रीविएशन जो है इसके क्लियर कर देते हैं आपको, टी फॉर टेनिस ये ऊपर लिख देते तो और अच्छा रहता है, एन ऑफ क्रिकेट सी फॉर क्रिकेट। टेनिस प्लेयर्स जो है वो है आपके 40 और क्रिकेट एंड टेनिस वाले ये नहीं पता हमको, और क्रिकेट एंड टेनिस वाले सी एंड टी वाले क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले लोग हैं, 10 लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, तो ये 10 लीजिएगा। लेकिन अब सवाल में आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो आपको टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट तो टी माइनस से पूछा है आपसे। और दूसरा सवाल ये भी पूछा है, दो सवाल है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो ये टेनिस का क्या लिख दिया मैंने गड़बड़ लिखी, और एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, ये भी अपने को फाइंड करना है, और ये 40 जो दिया है वो क्रिकेट में दिया हुआ है। तो अब आप प्रेजेंट लगा दें, सेवेंथ क्वेश्चन है, बहुत शानदार अच्छा सवाल है, काफी चीजें सिखा रहा है और लॉजिक भी डेवलप कर रहा है। एन ऑफ टी यूनियन सी एडिशन करने लगेंगे, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अब आप देखिए एन ऑफ टी यूनियन सी कितना है आपके पास, 65, एन ऑफ टी नहीं पता, एन ऑफ सी क्रिकेट प्लेयर्स तो पता है 40 माइनस दोनों वाले 10, एन ऑफ टी ये हो गया 40 माइनस 10 30, इधर ले जाके माइनस कर दो 65 माइनस 30, तो एन ऑफ टी टेनिस प्लेयर आ गया आपके पास 35, ये पहला आंसर है। हालांकि बाद में पूछा है तो इसका आंसर है टेनिस प्लेयर का, और ये लोग वो हैं जो टेनिस ओनली ओनली टेनिस एनऑफ टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट नहीं लिखते तो भी हम समझ जाते हैं कि ये वही बात है। इस सवाल में भी एक एम्बिग्युइटी है, क्या एम्बिग्युइटी है कि ये बोलना चाहिए कि इन द ग्रुप ईच ऑफ द ग्रुप मेंबर, ईच ऑफ द ग्रुप मेंबर प्लेस एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, लेकिन ये नहीं किया है तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा इनका गाना वैसा अपना बजाना। एन ऑफ टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, एन ऑफ टेनिस माइनस क्रिकेट, तो इसका रिजल्ट मैंने आपको पिछले वाले में लिखाया, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो टेनिस में से क्रिकेट को उसको माइनस कर दीजिए, टेनिस वाले लोग कितने हैं आपके पास, 35 में से 10 माइनस किए, तो आंसर आ गया आपका 25। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 35 मिनट्स हो रहा है लगभग, अब आपका 5 मिनट और लेंगे और 5 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, उसके साथ ही एक्सरसाइज। थैंक
खत्म हो जाएगी, ये छोटी सी बात बता देंगे। आपने चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, ज्यादा सोचें ना उस पर और लोगों का भला करें, दूर दूर तक बात पहुंचाएं, देश के बच्चे बच्चे तक, जहां सीखने की जरूरत कम होती है, जरूरत ज्यादा होती है और रिसोर्सेस कम होते हैं, उनको इसका फायदा मिल पाए, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। इन अ कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, पर फ्रेंच को एफ को फ्रेंच, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, द नंबर ऑफ द पीपल यू स्पीक फ्रेंच 50। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जरूर से देखिए, 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश 10 speak both Spanish and French. Spanish और French दोनों बोलने वाले 10, कम से कम एक बोलने वाले कौन है? N number of people who speak at least one of these two languages. ये तो दिए इन्हीं में से, one of these two languages, कम से कम दोनों बोले, तो दोनों बोले तो आप उसको वेन डायग्राम में एक्सपीरियंस करो। वेन डायग्राम में एक्सपीरियंस कैसे करोगे? ये और ये, कम से कम एक में बोलने वाले ये भी काउंट हो गए, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, कम से कम एक बोलना चाहिए। ये लोग तो कौन से हैं? दोनों बोलने वाले। तो इसका मतलब हमसे ये सवाल में पूछा गया है, एन ऑफ एस यूनियन एफ, एटलीस्ट वन का मतलब भी यही होता है यूनियन। तो इसका रिजल्ट है एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एन। तो वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा। वो छोटा सा बात इंपॉर्टेंट वाली मैं आपको बताता हूँ, 50 प्लस 20 माइनस 10 ये आ गया आपका 60। तो ये आ गया जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग ये हैं। कभी कभी ऐसा भी दोस्तों आ जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक चीज आपको याद रखनी है, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि डिसजॉइंट सेट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी, इसमें मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इस केस में इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाइव। ये डिसजॉइंट सेट्स दो, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फिर एन ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जीरो। तो इसलिए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ क्या होता है? ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। और अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ध्यान रखिए कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं then n of a union b is equal to either n of a plus n of b, और ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। तो ये रिजल्ट भी याद रखिए, जब a और b डिसजॉइंट सेट्स हों, और a और b डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो n of a minus b क्या होगा? n of a माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए इंटरसेक्शन क्या होता है? बी होता है। और ए और बी कैसे सेट्स हैं? डिसजॉइंट है। तो दूसरा रिजल्ट ये हो जाएगा, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा इसी तरीके से एन ऑफ बी माइनस ए
इज इक्वल टू एल ऑफ वी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों सारा कंसेप्ट जो हमने दो सेट्स के लिए यूज किया, वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम और एडिशन थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम। और मेरी बेस्ट विशेष है आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और दोस्तों को, साथियों को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। विश यू ऑल द बेस्ट।